शुभारंभ शुभारंभ भव्य शुभारंभ नया प्रतिष्ठान आपके शहर दमोह में। संपूर्ण वैवाहिक परिधान एक ही छत के नीचे, जहां आप पाएंगे दूल्हे राजा के लिए शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता पजामा, सफारी सूट, पगड़ी, माला, शेरवानी दुपट्टा। हमारा पता है स्टेशन रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में, घंटा घर, दमोह। प्यासी ज्वेलर्स एवं शोरूम, सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता, टंडन बिल्डिंग, सराफा बाजार, दमोह। एक बार अवश्य पधारें। सोशल मीडिया साइट का उपयोग करके इन दिनों जिले के लोगों से पैसा ठगने के मामले सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया साइट पर बातचीत करके लोगों से पैसा मांगा जा रहा है। ताज़ा मामला फुटेरा वार्ड नंबर 2 में रहने वाले रमेश अग्रवाल का है। फेसबुक हैकर ने मैसेंजर पर उनके नाम से कई लोगों को मैसेज करके 20,000 रुपयों की मांग की। फेसबुक हैकर ने रमेश अग्रवाल की फेसबुक आईडी मैसेंजर से उनके ही एक परिचित से बातचीत करते हुए 20,000 की आवश्यकता बताते हुए शाम को पैसा वापस करने की बात कही। जब परिचित ने घर पर पैसा भेजने की बात कही तो फेसबुक हैकर ने एक नंबर देकर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देने की बात कहते हुए ट्रांसफ़र करने के बाद जानकारी देने का मैसेज लिखा। मालूम हो कि फेसबुक हैकर द्वारा दमोह के अनेक फेसबुक आईडी धारकों की आईडी हैक करते हुए इसी प्रकार से पैसा मांगा जा चुका है। हैकरों द्वारा फेसबुक आईडी के माध्यम से केवल ऑनलाइन पैसा भेज जाने की बात कही जाती है। कुछ मामलों में जागरूक लोगों द्वारा पूछ लिए जाने पर मामले का पटाक्षेप भी हो चुका है। इस मामले पर किराना व्यापारी रमेश अग्रवाल का कहना है कि उनको जैसे ही परिचितों द्वारा पैसा मांगे जाने की जानकारी मिली, वैसे ही उन्होंने साइबर सेल में शिकायत की, साथ ही फेसबुक आईडी का पासवर्ड बदला है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल का कहना है कि शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कम से कम एक माह के अंदर फेसबुक का पासवर्ड चेंज करते रहें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी से भी पासवर्ड शेयर न करें, साथ ही व्यक्तिगत जानकारी को छुपा कर रखें। इसके संबंध में हमारे पास भी कुछ शिकायतें आई थी जिस पर हमने काम किया, तो इसमें हमने ये पाया कि मैसेंजर के थ्रू ये पैसे मांग रहा है। फिर हम उसके रिवर्ट उसमें जाकर के देखा तो बहुत सारे लोगों के जो फेसबुक अकाउंट है उसके थ्रू मैसेंजर से लिंक है, वो अपना पासवर्ड नहीं बदलते कई सालों तक, और इसके साथ ही वो अपना मोबाइल नंबर या कुछ इजी टाइप के इस टाइप का रखते हैं, तो जिससे जो हैकर रहता है उनकी जानकारी एकत्रित कर लेता है। क्योंकि तो फेसबुक में जब उसका डिटेल थोड़ा सा जाके अबाउट में जाकर के देखते तो काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती। इस तरह से अभी वर्तमान में कोरोना से हम परेशान हैं या एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की वो मैसेंजर के थ्रू सूचना उसके फ्रेंड्स को भेजता है हैक करके और पैसे की डिमांड करता है। मेरा सभी से आग्रह ये है कि कोई सब अपना जो पासवर्ड वगैरह है हमसे वो महीने में एक बार अवश्य उसको चेंज कर लें, और ये किसी से शेयर नहीं करें अपना पासवर्ड वगैरह, और जो जानकारी आप अपने अबाउट में डाले हैं उसको भी आप हाइड करके रखें, तो काफ़ी इससे बचाव हो सकता है। तो इसके संबंध में हमने 2-3 कार्रवाई तो की है, परंतु आगे की सावधानी के लिए हम ये आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। आज सुबह में रामायण सीरियल देख रहा था, तो सबसे पहले करीब 9:30 हमारे मित्र हैं संजय दुबे विजयनगर में रहते, उनका फ़ोन आया, यार रमेश भाई आपने क्या ऑनलाइन पैसे की डिमांड की? मैंने कहा नहीं, तो पहले हमें शक हो गया था और एक फेसबुक आईडी से आपका आया। उसके बाद हम छत पे गए तो गणेश अग्रवाल जो कि हमारे मोहल्ले में रहते हैं उनका ही फ़ोन आया। ये घटना सुबह करीब 8:30-9 से लेके और 10:30 तक उसने बहुत से लोगों को कॉल किया, उसमें बहुत से लोगों के कॉल आए और ये तो उसके बाद बच्चे लोग गए
और साइबर ब्रांच में उसकी जानकारी दी थी पूरी कुल मिला के।